चलो देखो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सटल सिस्टम। ठीक है, सटल सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं और क्या है ये कवर? सटल सिस्टम क्यों पढ़ते हैं और क्या है ये, इस चीज को पहले स्टार्ट करते हैं, हम आपको समझाते हैं। देखिए, यह एक सेल है, ठीक है, और उसके अंदर अंदर यह माइटोकॉन्ड्रिया है। और आपको अभी मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होता है, तो उसका इनर मेम्ब्रेन इस प्रकार से होता है, जिग-जैग क्यों होता है, सब बात आपको माइटोकॉन्ड्रिया में बताएंगे। ठीक है, ये होता है। तो आप एक बात बताइए, ग्लाइकोलाइसिस कहां चलता है? तो साइटोप्लाज्म में चलता है, वहां पे बनता है NADH2 ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, एक ग्लाइकोलाइसिस के दौरान दो NADH2। और अगर इस NADH2 से ATP निकालना है तो इसका कराना पड़ेगा ऑक्सीडेशन, कहां? ETS पर। ETS तो कहां चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर। और अभी आपने हाल ताजा ताजी पढ़ा है कि रिड्यूस्ड कोएंजाइम के लिए सेल मेम्ब्रेन इंपरमेबल होती है, यानी कि ये इसको क्रॉस करके यहां नहीं जा सकता है, तो फिर इसका मतलब इसे 3 ATP नहीं मिलेगा, ATP तो मिलेगा। समस्या ये है कि ये यहां कैसे जाए, समस्या ये है कि ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम यहां कैसे पहुंचाए? नहीं जाएगा, पक्का पता है, सेल मेम्ब्रेन उसके लिए इंपरमेबल है, कोई ऑप्शन नहीं है, और उसके लिए कोई कैरियर भी नहीं है NADH2 के लिए, जो चला जाए कुछ नहीं है, तो फिर ये कैसे जाएगा? तो इसी के लिए सेल ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ये अपनाया कि NADH2 का भी एनर्जी को यूटिलाइज करना है। कॉम्प्लेक्स सेल है ये, सब किसके अंदर हो रहा है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। और उन्होंने एक सिस्टम अपनाया कि दो फिक्स्ड प्लेस के बीच में, एक प्लेस कहां? साइटोप्लाज्म, और एक प्लेस कहां? ये रहा मैट्रिक्स। दो फिक्स्ड प्लेस के बीच में कोई ऐसी चीज चलाई जाए कि कोई यहां से यहां आए और कोई भी यहां से यहां वही चीज लौट के आ जाए, और इस दौरान जब कोई भी चीज यहां से यहां जाए, वो मेम्ब्रेन के लिए मेम्ब्रेन उसके लिए परमीएबल होगा तभी जा रहा है, तो वो बस NADH2 का हाइड्रोजन लेके चला जाए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, बस वो लेके यहां चला जाए, वहां हाइड्रोजन यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को उतार के फिर वो चीज यहां वापस आ जाए साइटोप्लाज्म में। ऐसा कोई भी सिस्टम जो दो फिक्स प्लेस के बीच में इस तरीके का मोमेंट दिखाता है, उसको बोलते हैं सटल, और उसी सिस्टम को कहते हैं सटल सिस्टम। तो सटल सिस्टम होता क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा बने गए रेड्यूसिंग पावर यानी कि रेड्यूस्ड कोएंजाइम NADH2 उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ETS में भेजने के लिए, ATP बनाने के लिए, वो सिस्टम जिसके थ्रू उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जाएंगे कहां? साइटोप्लाज्म से मैट्रिक्स, अंदर वो कंपाउंड फिर साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, यही सिस्टम सटल सिस्टम कहलाता है। बच्चे के मन में कॉमन डाउट आता है, सर ये चीज क्या लिंक रिएक्शन और क्रेव साइकिल के लिए नहीं अप्लीकेबल होगा, वहां पे भी तो NADH2 बनता है। अरे बच्चा, वहां पे NADH2 खुद मैट्रिक्स में बना है, क्योंकि वो चल ही रहा है मैट्रिक्स में, इसीलिए सटल सिस्टम की आवश्यकता नहीं है लिंक रिएक्शन और क्रेव साइकिल के NADH2 को, वो ऑलरेडी कहां चल रहा है? मैट्रिक्स में चल रहा है, और मैट्रिक्स में NADH2 बना, वही इनर मेम्ब्रेन है, वही ETS चल रहा है, वहां पे उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ATP मिल जाएगा। तो सवाल ये है कि ये NADH2 ग्लाइकोलाइसिस वाला वहां कैसे जाएगा? तो जवाब है सटल सिस्टम से जाएगा। बच्चा, सटल सिस्टम दो प्रकार का होता है। सटल सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक होता है मैलेट एस्पार्टेट सटल, मैलेट एस्पार्टेट सटल, और दूसरा होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल, ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल। तो आइए देखते हैं पहले मैलेट एस्पार्टेट सटल को क्या है, कैसे है, कैसे जाएगा NADH2 वहां, आइए देखते हैं। मैं नीचे डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम का नाम मैं लिख दे रहा हूं, क्या पहले बता दे रहा हूं कि हम पढ़ने जा रहे हैं मैलेट एस्पार्टेट सटल, ठीक है, मैलेट एस्पार्टेट सटल। मैं बता रहा हूं आपको कि यह एक सेल है, मैंने कहा कि यह एक सेल है, ठीक है, और फिर मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। और अभी हाल ताजा तरी मैंने आपको सिखाया है कि माइटोकॉन्ड्रिया
डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती है, तो अंदर वाली मेम्ब्रेन थोड़ी जिगजैग होती है, क्यों होती है मैंने कहा आपको माइटोकॉन्ड्रिया में बताऊंगा सिग्निफिकेंस है उसका। ये देख ठीक है, तो अब इसमें अगर मुझे लेवलिंग करना होगा तो बताइए मैं अगर लेवलिंग करना चाहूंगा तो इसको क्या बोलूंगा, दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन, यस और नो, दिस वन इज साइटोप्लाज्म, और मैं फिर लेवलिंग करना चाहूंगा माइटोकॉन्ड्रिया में तो बोलूंगा दिस वन इज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दिस वन इज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, दो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है, दिस वन इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये रहा लेबलिंग आपके सामने, दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज साइटोप्लाज्म एंड दिस वन इज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दिस वन इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, सॉरी दिस वन इज वन सेकेंड, दिस वन इज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस एंड दिस वन इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ दिस NADH2 इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इनसाइड साइटोप्लाज्म, ऑन कंप्लीशन ऑफ वन ग्लाइकोलाइसिस टू NADH2 इज सिंथेसाइज्ड इनसाइड द साइटोप्लाज्म, then how proton and electron of this NADH2 will reach at inner mitochondrial membrane for ETS purpose, let's see, this NADH2 will be oxidized inside cytoplasm and during this oxidation of NADH2 a enzyme reductase is involved and on oxidation of NADH2 NADH2 will convert into NAD+, and in this way NAD is regenerated for further glycolytic pathway. मैंने आपको बताया था कि NAD द्वारा चाहिए अगर आपको द्वारा glycolysis कराना है तो NAD तो regenerate हो गया। आप कह रहे हैं कि सर ये reductase enzyme क्यों involved हुआ है? बच्चा मैंने आपको सिखाया है मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या हुआ आपको वो देखना है, ये तो रिड्यूस कोएंजाइम मैंने पता है, इस दौरान साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ ऑक्सलो एसिटिक एसिड उसका हो जाता है रिडक्शन, उसका हो जाता है रिडक्शन, तो बताइए मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो रिडक्शन हुआ ना, तो एंजाइम तो रिडक्टेज होगा ना, और अगर एंजाइम रिडक्टेज है किसी का रिडक्शन हुआ है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होना जरूरी है, बायोलॉजी में एक का रिडक्शन होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन पक्का हुआ होगा तभी इसका रिडक्शन हुआ। चलो बताएगा हर्ष ऑक्सलो एसिटिक एसिड के रिडक्शन से क्या बनेगा, ऑक्सलो एसिटिक एसिड के रिडक्शन से अतीक ऑक्सलोएसिटाल्डिहाइड नहीं, अरे भोंट सूख लो, याद करो क्रेब्स साइकिल में मैलेट के ऑक्सीडेशन से ऑक्सलोएसिटिक एसिड बनता था, सूख लो तो ऑक्सलोएसिटिक एसिड के रिडक्शन से क्या बनेगा, रिएक्शन को उल्टा करके तो देखो मैलेट बनेगा, भोंट मैलेट बनेगा, उल्टा करके तो देखो रिएक्शन को, और अभी आपने हाल ताजा ताजी पढ़ा है क्या कि मैलेट के लिए सेल मेम्ब्रेन इम्परमेबल होती है, मुझे पता है आपके मन में डाउट आ रहा है ऑक्सलो एसिटिक एसिड के लिए भी तो सेल मेम्ब्रेन परमेबल होती है, ये डाउट पूछा गया कल के बैच में, सर ऑक्सलो एसिटिक एसिड के लिए भी तो सेल मेम्ब्रेन परमेबल होती है तो इसको डाइस किया क्यों नहीं भेज दिया, उसको मैलेट बना के क्यों भेज रहा है, अरे भैया ऑक्सलो एसिटिक एसिड को भेजना था का? मुझे भेजना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को था, मुझे ना ऑक्सलो एसिटिक एसिड को भेजने में इंटरेस्ट है ना ही मैलेट को भेजने में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट तो मुझे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को भेजने में है, और ऑक्सलो एसिटिक एसिड को रिड्यूस्ड कंपाउंड थोड़ी है, ऑक्सलो एसिटिक एसिड का रिडक्शन होगा तो रिड्यूस्ड कंपाउंड बनेगा मैलेट, हाँ ऑक्सलो एसिटिक एसिड जा सकता है चले जाए आ जाए चले जाए आ जाए क्या फर्क पड़ता है, हमारा काम तो नहीं हुआ ना, हमारा मकसद होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो NADH2 का उसको पहुंचाना है, और वो तब जाएगा जब ऑक्सलो एसिटिक एसिड का होगा क्या रिडक्शन, तो मैलेट में अब वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छुप गई है जो NADH2 में हुआ करती थी, और NAD द्वारा रीजनरेट हो गई है
ये सारा खेल साइटोप्लाज्म में चला रिडक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में। अब ये मेलेट कहाँ गया? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ इस मेलेट का हो जाता है ऑक्सीडेशन, इस मेलेट का हो जाता है ऑक्सीडेशन, और इस दौरान एंजाइम होता है यहाँ पर डीहाइड्रोजिनेज, एंजाइम होता है डीहाइड्रोजिनेज। और इस दौरान जब मैलेट का होगा ऑक्सीडेशन तो बताएगा अति क्या बन जाएगा? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन जाएगा। और अगर किसी का हुआ है ऑक्सीडेशन तो बायोलॉजी में पक्का किसी का क्या हुआ होगा? रिडक्शन। और इस दौरान जिसका रिडक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग नाम नहीं पड़ेगा रिएक्शन का, रिएक्शन को तो हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन एक वर्ड चुनना हो तो बोलेंगे कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या हो रहा है, जो मेरा सबस्ट्रेट है उसका क्या हो रहा है? मैलेट। नो डाउट कि सबस्ट्रेट वो भी होगा जिसका रिडक्शन होगा, लेकिन मेन सबस्ट्रेट यहाँ पे मैलेट है। और यहाँ पर रिडक्शन पता है किसका हुआ है? जो मैट्रिक्स में पड़ा हुआ एनएडी प्लस था उस एनएडी प्लस का क्या हो गया? रिडक्शन, एनएडीएच2 बन गया। अब ये एनएडीएच2 बगल में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वहां पे ईटीएस में जाकर 3 एटीपी दे देगा। कैसे देगा कल से पढ़ेंगे। कुल मिलाके इस दौरान इस एनएडीएच2 की इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस एनएडीएच2 में पहुंच चुकी है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड द्वारा रीजनरेट हो चुका है और ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड यहां आ जाएगा। बोलो समझ में आया? अरे बोलो। यस सर। आप समझ गए? यस सर। यहाँ पे बच्चे को थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन होता है, और मतलब कि कुछ बुक में भी कॉन्ट्राडिक्शन है। जैसा मैंने पढ़ाया कुछ बुक में ऐसा ही लिखा है, ठीक है, लेकिन कुछ बुक में क्या लिखा है वो आपको हेडिंग से देख के समझ में आएगा। बोलोगे सर एस्पार्टेट लिखा था आपने, एस्पार्टेट का कहीं सीन ही नहीं आया है, लिखा है ना मेलेट एस्पार्टेट सेटल, मेलेट का तो सीन आ गया, एस्पार्टेट का तो कहीं सीन ही नहीं आया है। कुछ बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के लिए माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन परमिएबल तो होती है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन उसकी परमिएबल नहीं होती है, केवल आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होती है। तो इस व्याप पे तो आप ये भी बोलेंगे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ना अंदर से बाहर सकता है ना बाहर से अंदर आ सकता है, तो फिर कैसे आएगा जाएगा? अगर सारा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मेलेट बन जाए तो फिर ऑक्सैलोएसिटिक आएगा कहां अगले बार रिडक्शन के लिए? तो कुछ बुक में ऐसा लिखा है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए वो परमिएबल नहीं होती है। और इसी बात को प्रूफ करने के लिए अब हम एक स्टेप यहां पर और बताएंगे, एक स्टेप और क्या बताएंगे, वो स्टेप ये रहा। इस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का यहां पे अब हो जाता है इसी मैट्रिक्स के अंदर ट्रांस अमीनेशन, किसी एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से अमीन ग्रुप को ट्रांसफर करना, ट्रांस अमीनेशन। और अगर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को दे दिया जाए एक अमीन ग्रुप तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एस्पार्टिक एसिड में, यानी कि एस्पार्टेट में, जिसमें एस्पार्टेट में। अभी आपने हाल में पढ़ा है अभी जस्ट कि एस्पार्टेट के लिए सेल मेम्ब्रेन परमिएबल होती है, और ये एस्पार्टेट कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म में। ये रहा एस्पार्टेट। अब तो आप खुद ही समझ चुके होंगे कि एस्पार्टेट का क्या हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, कि जनरेट हो जाएगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। बोलेगा इरहान। यस सर। क्या होगा यहाँ एस्पार्टेट का? आज मैंने तुमको मुर्गा बनाया है, ठीक है, पहले मुर्गी बनाऊंगा और फिर परसों से कबूतर, फिर कबूतरी। तुम्हारा उल्टा दिन स्टार्ट हो गया फिर से, याद रख लो। या तो तुम पढ़ाई स्टार्ट कर दो, नहीं तो तुम अभी क्या क्या बनोगे तुमको भी नहीं पता। मुर्गा, मुर्गी, चूहा, चूही, कबूतरी सब बनाऊंगा मैं तुम। भौट, सुगले, रावण, यहाँ देखो क्या है, ट्रांस अमीनेशन है। तो अगर अमीन ग्रुप जुड़ता है तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एस्पार्टेट में कन्वर्ट होता है, तो क्या होगा यहाँ? डी अमीनेशन होगा। कितना सिंपल है यार, खेलोगे कूदोगे तो कहां से समझ में आएगा, घर पे केवल खेलता है। डी अमीनेशन का मतलब क्या? अमीन का निकल जाना। यहां अमीन जुड़ा था तो एस्पार्टेट बना था, और अब एस्पार्टेट से अमीन निकल जाएगा, लो निकाल दिया अमीन ग्रुप को, तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन जाएगा। बोलो समझ में आया? तो इस कदर आपने आपने क्या सीखा? आपने सीखा यही कि इस NADH2 का
जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन था एनएडी को ही मिला। अच्छा, कल के बैच में ये भी डाउट आया था, ये तो डाउट आया था कि सर ऑक्सीजन चिटिक से वहां डायरेक्ट नहीं चला जाता, तो जाके भी क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेके थोड़ी जाता बिना रिडक्शन के। दूसरा डाउट आया था, सर क्या यही एनएडी यहां पहुंचा है क्या? अरे नहीं यार, जब ये सेल का फॉर्मेशन हुआ होगा ना सेल डिवीजन से किसी ने किसी दूसरे सेल से, तो एनएडी साइटोप्लाज्म में भी मिला होगा और मैट्रिक्स में भी मिला होगा, जहां जहां एनएडी की जरूरत है वहां वहां एनएडी होगा। नहीं तो ये एनएडी मिलेगा किसी न किसी विटामिन से, उस विटामिन से एनएडी सेल हर जगह साइटोप्लाज्म के तौर पर साइटोप्लाज्म में भी और मैट्रिक्स में भी खुद बना लेगा, और एनएडी नहीं आ जा सकता क्योंकि इसके प्लस चार्ज है, इसके लिए मेम्ब्रेन परमीएबल नहीं है। ये एनएडी यहाँ साइटोप्लाज्म का है, यह ग्लाइकोलाइसिस में काम आएगा, और ये एनएडी क्रेव साइकिल का था, और वही क्रेव साइकिल के एनएडी को यूज करके अभी एनएडी एस2 बना लिया सटल के दौरान, और वो एनएडी एस2 तुरंत यूटिलाइज हो गया ईटीएस में, अब वो एनएडी फ्री हो गया, अब वो दोबारा सटल में भी काम आ सकता है, दोबारा क्रेव साइकिल में भी काम आ सकता है, टैग थोड़ी लगा, वो तो बस डीहाइड्रोजन एंजाइम में काम आना चाहिए, वो एनएडी है। तो इस दौरान आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि इस एनएडी एस2 जो ग्लाइकोलाइसिस में बना था उसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस मैट्रिक्स में एनएडीएस2 के पास पहुंच चुका है, और इस दौरान किसी भी प्रकार का एटीपी का कोई लॉस नहीं हुआ है। याद करो मैंने बताया था कि मेलेट स्पार्टेट चलेगा तो ग्लाइकोलाइसिस में बने एडीएस2 से 3 ATP ही मिलेगा, कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन पता है इस टाइप का सटल सिस्टम एडवांस सटल सिस्टम माना जाता है, और ये सभी जगह नहीं पाया जाता, ये रेयरली पाया जाता है। जैसे आपके बॉडी में जो बिजिएस्ट ऑर्गेन है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेन है जो आपके बॉडी में बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, जैसे हार्ट, इनको तो 24 घंटे हर पल हर सेकंड काम करना है, जैसे किडनी, इसको भी आपके बॉडी को फिल्ट्रेट करना है, जैसे लीवर, इसके पास भी बहुत सारे काम है, इन सबको बोलते हैं वाइटल ऑर्गन्स, मतलब आपके वाइटलिटी को मेंटेन करने में जो ज्यादा भूमिका निभा रहा है, भूमिका तो सभी का है, जो ज्यादा रोल निभा रहा है उसको बोलते हैं वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट, किडनी, लीवर, इन सबके अंदर जो सेल्स हैं उसमें क्या हो रहा है, मैलेट स्पार्टेट सेटल कर रहा है, क्योंकि इन सभी को एटीपी की भयानक रिक्वायरमेंट होती है, और एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है तो फिर तो ऐसा सटल चला है जहां एटीपी का लॉस ना हो। तो ये आपने अभी पढ़ा मैलेट स्पार्टेट सटल, मैलेट स्पार्टेट समझ में आ गया? बोलो यस सर ठीक आ गया ना। अरे सिंपल है यार, यहाँ जो रिएक्शन कराए हो ना इसका 10 उल्टा यहाँ करा देना, खेल खत्म, और यहाँ जो रिएक्शन कराए उसका 10 उल्टा यहाँ करा देना, खेल खत्म है। आ जाओ अब लेते हैं हम लोग क्या, ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल, फिगर का नाम हम पहले लिख देते हैं, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल, ठीक है, यह सेल है और उसके अंदर यह माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन जिगजैग टाइप के होंगे, इस टाइप से कॉन्वोल्यूटेड भी कहते हैं इसको, ठीक है। लेवलिंग करने की आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बोलोगे तो आपके आत्मा के शांति के लिए मैं लेवलिंग कर देता हूँ, ले लो। छोड़ दीजिए सर, बाकी आप कर लेना लेवलिंग, आपको पता है कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और ये मैट्रिक्स है, ठीक है। हाँ, तो अब हम ग्लिसरॉल फॉस्फेट पढ़ने जा रहे हैं, ग्लिसरॉल फॉस्फेट इसमें क्या होता है, NADH2 जो बना था कहाँ पर, क्या हो रहा है भाई, NADH2 जो बना है ये NADH2 ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बना है, और ये NADH2 का क्या कराना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भेजना है कहाँ, ETS में। देखो उस दौरान क्या हो रहा था कि ये NADH2 का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मैलेट लेके मैट्रिक्स में घुसता था, लेकिन इस दौरान याद रखना पॉइंट क्या है, पहली बात कि इस मैलेट का क्या कराना पड़ेगा, इस मैलेट का कराना पड़ जाएगा आपको ऑक्सीडेशन, सॉरी मैलेट नहीं NADH2 का कराना पड़ जाएगा ऑक्सीडेशन, और एनएडी रीजनरेट हो जाएगा, ये काम आ जाएगा ग्लाइकोलाइसिस में। और इस दौरान अगर NADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ तो किसी न किसी का रिडक्शन हुआ होगा, तभी आपने इसका नाम रिडक्शन दिया है, और आपने कहा कि यहाँ पर एंजाइम रिडक्टेज होगा, एंजाइम यहाँ पर रिडक्टेज होगा,
और इस दौरान किसका हो गया रिडक्शन, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस दौरान DHAP का हो गया रिडक्शन। चलो बताएगा ईरान, DHAP के रिडक्शन से क्या मिलेगा? DHAP के रिडक्शन से क्या मिलेगा? हाँ बता रहा हूँ सर। हाँ बताओ ना। कहाँ कॉपी उल्टा रहे हो पीछे, कोई फायदा नहीं है उलट के। अरे पापी, तुमको नहीं पता है कि DHAP मिलता है किसके ऑक्सीडेशन से? DHAP किसके ऑक्सीडेशन से मिलता है, हमको बस इतना बता दो। और ये दोनों आपस में आइसोमर है, आपस में आइसोमराइज होते रहते हैं। तो DHAP का यदि हो जाए क्या, ये हुआ था ऑक्सीडेशन ग्लिसरॉल का, अगर DHAP का हो जाए रिडक्शन तो मिल जाएगा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल मिल जाएगा। इसमें यहाँ पे फॉस्फेट है, इसमें भी फॉस्फेट होगा, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल फॉस्फेट। इसके थर्ड कार्बन पर फॉस्फेट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट, नहीं तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट आप कह सकते हैं। अभी आपने हाल पढ़ाया था दादा जी कि ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट बना है, इसके लिए भी सेल मेम्ब्रेन क्या है, परमिएबल है। तो ये यहाँ से आराम से आ जाएगा। कहा ये बात ध्यान रखना कि ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट मैट्रिक्स में नहीं आएगा, वो आएगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर आ चुका है क्या, ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट। अब यहाँ पर ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट का होना है ऑक्सीडेशन, और ये सारा खेल मेम्ब्रेन पर ही होगा। और इस दौरान ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो किसी का हो रहा होगा रिडक्शन। चलो बताए ईरान, ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन, हाँ ये ढाप बन जाएगा सर। तुमको अगर ये सवाल का जवाब देने में इतना देर लगता है ना, तुम्हारे गली वली में छोटे बच्चे हो ना, अगर इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके पास जाना, बोला बाबू मुझे चार थप्पड़ मारो तू, वो बोलेगा क्यों? बोला मेरे सर ने कहा है। वो छोटे छोटे बच्चे नहीं खेलते हैं गली कूदे, उनको बोलना कि मुझे चार थप्पड़ मारो, और बोलेगा नहीं मारूंगा, तो बोलना मेरे सर ने कहा मारो, मारो मुझे चार थप्पड़ मारो मुझे। ग्लिसरॉल फॉस्फेट से यार धाप मिलेगा, अभी यार लिखा हुआ है, फिर सोच रहा है लड़का, क्या सोच रहा है पता नहीं यार। ग्लिसरॉल से धाप मिलता है, साइड से बता रहे हैं, बात तो नेता ने 10 बार बता दी है। ग्लिसरॉल फॉस्फेट से धाप मिलेगा, और इस दौरान अगर इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, किसका, ग्लिसरॉल फॉस्फेट का, तो किसी का क्या होगा, रिडक्शन। ये बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ रिडक्शन किसका हुआ, पता है यहाँ पर रिडक्शन ना FAD का हुआ और बना FADH2। और ये ऐसा क्यों हुआ, तो मैं आपको बता दूं, इस दौरान जो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इन्वॉल्व हुआ वो FAD लिंक्ड डिहाइड्रोजनेज था, FAD लिंक्ड डिहाइड्रोजनेज था। इसका मतलब ये नहीं कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज था, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज को क्यों बोला सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि उसका सबस्ट्रेट सक्सिनेट था। इसको आप कह सकते हैं ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट या ग्लिसरॉल FAD लिंक्ड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। तो यहां पर इस एंजाइम के प्रेजेंस में FAD को ही मिल सकता है ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट में, जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है, तो FAD का हो जाएगा रिडक्शन, बन जाएगा FADH2। ये सारा खेल इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर चला है। अब ये धाप एज इट इज वहां से निकलेगा और मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ आ जाएगा साइटोप्लाज्म में, फिर से रेडी हो जाएगा रिडक्शन कराने के लिए, सटल चलाने के लिए। और FADH3 बना है चूंकि, तो ये FADH2 यहाँ पे दो ही ATP दे पाएगा जब ये ETS में जाएगा, और इस कदर एक ATP का लॉस हो गया जब एक बार सटल चला। तो अगर ग्लाइकोलाइसिस एक बार चला है एक ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में, तो दो NADH2 बनेगा, तो दो बार ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल चलेगा, तो दो ATP का लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो FADH2 बनेगा, दो FADH2 चार ATP मिलेगा, नहीं तो इस वाले केस में आप देखते
तो इस वाले केस में आपको 2 NADH2 मिलता, 2 NADH2 मिलता तो 6 ATP मिलता, लेकिन यहाँ पे 4 ATP मिलेगा, तो एक ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में 2 ATP का लॉस हो जाएगा। और पता है आपके बॉडी में मोस्ट ऑफ द जगह यही वाला चल चल रहा है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट। और मोस्ट ऑफ द जगह जैसे मसल सेल है, हार्ट को छोड़कर स्केलेटल मसल सेल है, या विसरल मसल सेल है, या नर्व सेल है, जो भी मोस्ट ऑफ द जगह यही चल रहा है। प्लांट में भी मोस्ट ऑफ द जगह यही चल रहा है और हर जगह ATP का लॉस हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं यार, कुछ तो फायदा हो रहा है ना, कुछ लॉस हो रहा है तो कुछ फायदा हो रहा है ना। अगर 2 का लॉस हो रहा है तो 4 का गेन भी तो हो रहा है, नहीं तो NADH2 ऐसे ही रखा रह जाता, तो उससे बेटर है कि इसको ATP मिल जाए कुछ। तो इस कदर ग्लिसरॉल फॉस्फेट में हुआ यही कि NADH2 का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर FAD को मिल गया। अच्छा, ये FAD कहां से आया? इधर से नहीं आया, इधर यहाँ पे था ना, यहाँ पे मैट्रिक्स में, वो मैट्रिक्स में से FAD ले लिया और FADH2 मैट्रिक्स में ही बना के छोड़ दिया। मुझे इधर से दिखा देना चाहिए था, बेटर होता। ठीक है, फाइनली धाप इधर आ गया। तो इस कदर धाप फिर से रेडी हो गया नया ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल चलाने के लिए। बोलो, समझ में आया? यस सर, यस सर। एक मिनट उसका डिस्कस कर लेंगे। इरहान, समझ में आया? यस सर। हाँ, तुम बोलो, क्या बोल रहे? 2 ATP का लॉस हुआ तो यूज कहाँ होगा? लॉस हुआ ना, वो तो लॉस क्यों, मतलब लॉस कैसे हुआ? लॉस कंपेयर कर रहे हैं मेलेट स्पार्टेट के शटल के तुलना में, वहाँ लॉस नहीं हुआ है। मेलेट स्पार्टेट में लॉस, ये अभी तक लॉस नहीं समझ पा रहे हैं। देखो, लॉस का मतलब है कि ऐसे NADH2 ETS में 3 ATP देता है, लेकिन यहाँ पे NADH2 का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे FAD को मिल गया, तो FADH2 मिला है, तो ETS में 2, मतलब FADH2 देगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और उसके देने से 2 ATP बनता है। कैसे बनता है कल पढ़ाएंगे आपको, ETS में 2 ATP बनता है। तो अगर वो NADH2 अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ETS में जाने से पहले NAD को ही देता तो 3 का 3 ATP मिलता जो NAD देता है, लेकिन FAD को दे दिया तो 2 ATP मिला, तो 1 ATP का लॉस हुआ। तो एक ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में 2 बार शटल चलेगा, क्योंकि 2 NADH2 बनता है ग्लाइकोलाइसिस में, तो 2 बार ग्लाइकोलाइसिस चलेगा। अब 2 बार ग्लाइकोलाइसिस चलेगा तो 1 बार में 1 ATP का लॉस, तो 2 बार में 2 ATP का लॉस कुल मिला के 2 ATP का लॉस हुआ एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के रेस्पेक्ट में। बोलो जी, समझ में आया अर्श? यस सर। स्वाति, समझ में आ गया ना? बाती चली गई है क्या? अच्छा, कट गया, चलो ठीक है। तो इसको जो है, हाँ ठीक है ले लेते हैं क्वेश्चन। चलो बोलो पहले क्वेश्चन। सर, आपने बताया मेलेट स्पार्टेट जो है वो बीजी वाले प्लेस पे ले, जो ऑर्गन बीजी है। हाँ, मोस्टली वहीं चलेगा। अगर हम रनिंग वगैरह कर रहे हैं और हमारा पैर जैसे बीजी हो गया, तो वहां पे सर ज्यादा बार चलाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई ये सब एंजाइम का खेल है। आप सोचो ना कि मतलब जिस टाइम आपके बॉडी में मसल सेल्स में मेलेट एस्पार्टेट चल रहा है, इमरजेंसी आ जाएगा, तो यहाँ पे FAD लिंक नहीं NAD लिंक सामान्य लगेगा, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होगा। ग्लिसरॉल फॉस्फेट ही चलेगा, हाँ, लेकिन तेजी गति से चलेगा, क्योंकि इमरजेंसी है, इसलिए ATP ज्यादा चाहिए, इसलिए। क्लियर? यस सर। और किसी को कोई डाउट? नो सर। अतीक? नो सर। तो चलो ठीक है, इस मीटिंग को खत्म करते हैं। नोट्स हम बस भेज दे रहे हैं, नोट्स को पढ़ के उसमें अच्छे से हमने सब कुछ कर दिया है, नोट्स को पढ़ के उसके बाद जो है नया मीटिंग क्रिएट करेंगे और क्वेश्चन डिस्कशन होगा, ठीक है ना? अच्छा, स्वाति वैक्सीनेशन लगाने गई है, मैसेज कीजिए। चलो ठीक है, नया मीटिंग क्रिएट करते हैं, नोट्स भेज रहे हैं, नोट्स पढ़ लेना।